मेरा क्वेश्चन है कि एबीसी आर रियल नंबर्स सच दैट एसी नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो हैव एटलीस्ट वन सच दैट देन सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन अभी कुछ नहीं लिखा हैज रियल नंबर्स, तुमने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो पहले लिख देते कि एसी नॉट इक्वल्स टू जीरो, इससे क्या आएगा, इससे दो चीज मिलेगा, एसी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, एसी लेसर देन जीरो भी, दो केसेस होता है, ये दो केसेस होता है, ये तो समझ में आ गया। कोई जीरो जिसको मान लो किसी को नंबर जीरो नहीं मिला तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको नेगेटिव भी मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकते, जीरो नहीं मिला, ठीक। नाउ ये जो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन नंबर वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो डी क्या है, डी वन लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर सी, ओके। फॉर इक्वेशन टू कौन सा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो डी टू सबको दिखाई दे रहा है, हाँ यस, डी टू एक बार देखना दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, बी स्क्वायर प्लस फोर एसी होगा, बी स्क्वायर ने कैसे लिख माइनस फोर लेके जाएगा माइनस से इनटू सी, तो क्या हुआ बी स्क्वायर प्लस फोर एसी डी टू, तो डी वन क्या हुआ, डी वन हुआ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी और डी टू हुआ बी स्क्वायर प्लस फोर एसी, दोनों इक्वेशन का दो दो डिस्क्रिमिनेंट है, दोनों चीज आ गया, ओके ये आ गया। ये दो केसेस था, केस वन एसी ग्रेटर देन जीरो, केस वन ले लिया एसी ग्रेटर देन जीरो, ओके एसी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, एसी इज ग्रेटर देन जीरो दैट मींस एसी इज पॉजिटिव, एसी इज पॉजिटिव और ये वाला, तो क्या देखोगे इसमें एसी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो डी वन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ओके विल बी ग्रेटर देन जीरो इफ, क्या कंडीशन होना चाहिए, ये देखो ये वाला पॉजिटिव है ना, एसी ग्रेटर देन जीरो, अब इसको ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन फोर एसी, ओके तभी ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मींस बी स्क्वायर बाय फोर शुड बी ग्रेटर देन एसी, पॉजिटिव है ना, और जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी विल बी लेसर देन जीरो इफ बी स्क्वायर के वैल्यूज लेस देन फोर एसी हो, क्लियर बेटा, अच्छा इसमें तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन जीरो इफ बी स्क्वायर इज लेसर देन फोर एसी, दो कंडीशंस होगा ना बेटा, एसी इज ग्रेटर देन जीरो है तो फोर एसी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन बी स्क्वायर के वैल्यू फोर एसी से ग्रेटर है तभी क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेसर देन फोर एसी है तभी इसका वैल्यू क्या होगा, लेसर देन जीरो, ये दो कंडीशन, और डी टू इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस फोर एसी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड का रियल रूट्स होने हो सकते, दैट मीन्स इसका तो ऑलवेज होगा, देयरफॉर व्हेन एसी इज ग्रेटर देन जीरो
देन सेकेंड इक्वेशन विल हैव रियल लोड्स बट फर्स्ट इक्वेशन में और मे नॉट हैज रियल लोड्स। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो देखो इसमें ए वाला ग्रेटर देन जीरो का तो कंडीशन ऑलवेज तो नहीं होगा, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मतलब ए सी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव तो है, लेकिन ये वाला बड़ा हो गया तो, ये वाला बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएंगे। दैट इज यहां पे दो कंडीशन सर है, ये तो हुआ ही होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसमें तो क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन विल हैव रियल लोड्स कंफर्म, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का रियल लोड्स हो भी सकते नहीं भी हो सकता। ये हो गया केस वन, केस वन सबको आ गया। पवित्र बहुत ज्यादा सोच रहे हो प्रॉब्लम, इसमें क्या है बेटा, ये होगा तो क्या होगा, रियल लूट्स होगा, ये हो गया तो क्या होगा, रियल लूट्स नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसमें रियल लूट्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन इसका ऑलवेज रियल लूट्स होगी जो एसी ग्रेटर देन जीरो। अंडरस्टूड? टाइम क्या हुआ देखो, चार दूसरे में जब मतलब केस टू क्या, एसी लेसर देन जीरो होगा तो, एसी लेसर देन जीरो होगा तो डी वन इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, ओके। डी वन माइनस है ना, ये वाला लेस देन जीरो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएंगे तो D1 विल बी ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। तो हैव रियल रूट्स, ओके, ऑलवेज हैज रियल रूट्स, लेकिन जब ये जीरो होगा D2 ग्रेटर देन जीरो तभी होगा, कब होंगे ये जो D2 का ग्रेटर देन जीरो कब होंगे, जब B स्क्वायर इस ग्रेटर देन, इसके वाले क्या बोला था, इमिनेंट, ये लेस देन जीरो बोला था, लेस देन जीरो दैट मींस इट बी नेगेटिव, नेगेटिव है दिस विल बी नेगेटिव, दैट मींस बी स्क्वायर के वैल्यू 4 एसी से ग्रेटर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 एसी तब क्या होगा, रियल लूट्स होगी, और बी टू लेस देन जीरो कब होगा, जब स्क्वायर लेसर देन 4 एसी, ओके, तब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया तो रियल लूट्स नो रियल लूट्स। ये बात समझ में आ रही है कि देखो डी वन ग्रेटर देन जीरो है, डी वन एसी लेस देन जीरो है, एसी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, डी वन क्या था, ये बोला था ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। डी वन का वैल्यू, डी टू का वैल्यू, डी टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये नेगेटिव होगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी बी स्क्वायर के वैल्यू 4 ए सी से ग्रेटर है तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होगी, और बी स्क्वायर लेसर देन 4 ए सी होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, उस केस में नो रियल रूट्स होगा। तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, When AC is less than zero, first equation will always has real roots, but second equation may or may not have real roots, therefore कहां से कहां तक पूरा,
therefore if ABC are real numbers such that k not equals to 0, then the equation this one and this one will have at least one real roots, a condition. ओके ठीक है. अभी कुछ बच्चे को आएगा, कुछ बच्चे को नहीं आएगा. हाँ बिल्कुल. और एक केस बन जाएगा. तो ये चीज हो जाने के बाद मान लो क्या हम लोग को देखा, कोई भी केस में बी स्क्वायर फोर एसी के बराबर है, बी स्क्वायर फोर एसी के बराबर है, एसी तो नॉट इक्वल टू जीरो है. अभी उसके साथ जब फोर से इंटू किया, इंटू करने के बाद देखा बी स्क्वायर का बराबर हो गया, तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी यहां पे था तो डी वन डी टू तक ये बराबर हो गया, तो इसका जीरो हो जाएंगे. जीरो हो गया तो क्या होगा, इसका रियल रूट्स होगी. और इस केस में भी क्या, बी स्क्वायर फोर एसी के बराबर हो गया तो क्या है, इसमें भी रियल रूट्स होगी. बी स्क्वायर फोर एसी के बराबर हो गया ये तो रियल रूट्स होगी होगी, और ये भी रियल रूट्स होगी. ये भी स्टेटमेंट लिख दोगे उसके बाद, ये हो जाने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, इफ एनी केस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एसी ऑन दैट केस. अभी और जाएगा नहीं, उसमें थर्ड वाला पार्ट में ये वाला हो गया ना, दो पार्ट कर दिए. उसके बाद इफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एसी व्हेन एसी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी तो हो सकता है. उस केस में क्या होगा, डी वन जो होगा विल बी जीरो और डी टू जो है विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर देन जीरो. On both cases they will have real roots. Okay, both will have real roots. फिर हम लोग का next class में हम लोग इसके बारे में और चर्चा. अच्छा बंदा, जितना तक मैंने बताया उसके अंडर में कौन कौन काल बोर्ड में इस क्वेश्चन को कर पाओगे इस तरीका से, एक दो तीन चार, ठीक है. वीडियो बना दिया, एक बार देख लेना, हो सकते हो जाएगा, फिर काल देखेंगे. ओके हाँ बेटा, टाइम इज ओवर.